राज्य सरकार का मतलब होगा और राज्य सरकार लगातार सही खाना सही दारू है। जिस तरीके से स्वास्थ्य के दाम 100 गुना तक बढ़ाए गए वो बहुत शर्मनाक है। प्रदेश की जनता पहले ही डेंगू की मार से जूझ रही है। लगातार जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, लगातार समस्याएं प्रदेश के अंदर बढ़ रही है, इसलिए हम सरकार का पुतला फूंक रहे हैं। सरकार को कहना चाहते हैं कि सरकार होश में आए और इस प्रदेश की जनता का शोषण बंद करे। जिस तरीके से 23 रुपए के गरीबों के लिए पर्चा बेस हॉस्पिटल में था उसे सीधे 60 रुपए का कर दिया। अल्ट्रासाउंड प्राइवेट से ज्यादा महंगा कर दिया। प्राइवेट में 700 रुपए का होगा, सरकारी हॉस्पिटल में 800 रुपए का होगा। हम पूछना चाहते हैं जनता के लिए एकमात्र सरकारी हॉस्पिटल इलाज का संसाधन थे, जनता अब कहाँ जाएगी? इस बात का जवाब मुख्यमंत्री को देना होगा। कांग्रेस के लोग लगातार इस मुद्दे को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। जब तक सरकार होश में नहीं आती, सरकार को चेताने के लिए जनता के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ाई लड़ेगी। ये तानाशाही है, गुंडागर्दी है। नैतिकता के आधार पर सीएम को बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लगातार डेंगू से कोई मौत नहीं हुई, क्या मीडिया जो दिखा रही है, जो पूरा समाज देख रहा है, जो मौतें हुई है, क्या ये सब झूठ है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार बताए। और मैं तो कहता हूँ सीएम मानसिक रूप से पागल हो चुके हैं, उनको मुख्यमंत्री पद से तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को भी संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया जाए जिसको यही नहीं पता 60-70 मौतें हो जाती है और वो कहता कोई मौत नहीं हुई।